हेलो दोस्तों, मैं नंदा वैष्णव अपनी यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। तो आम का मौसम आ चुका है और आम भरपूर मात्रा में मिलने लगी है, तो क्यों ना आम का अचार बना लिया जाए। तो आम खाना तो सबको पसंद होता है, तो आम का अचार भी बहुत पसंद करते हैं लोग, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कच्चे आम ले ली हूँ, तो ये 2 किलो है और इसे मैं अच्छे तरीके से धो ली हूँ। और ये 2 प्रकार की है, छोटी छोटी वाली जो है वो खट्टी वाली है, और ये जो बड़ी वाली है वो थोड़ी मीठे वाली आम है जो खट्टी नहीं रहती है। तो सबसे पहले इधर देखिए, मैंने चक्कू और छुरी ले ली है, तो जो जिसमें गुठली नहीं है, सख्त नहीं हुई है, उसे मैं चक्कू से काट लूँगी, और जो थोड़ी सी टाइट है उसे मैं छुरी से काट लूँगी। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा ठीक नहीं था तो मैं वहाँ से हटा दी हूँ, तो ये बहुत इसमें गुठली नहीं है, तो देखिए आसानी से कट गई है, तो गुठली हटा दूँगी मैं और मन चाहे शेप में काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 टुकड़ा करके इसमें से छोटे छोटे पीस कर लूँगी और ऐसे ही सारे आमों को मैं कट कर लूँगी। तो इतना ही करूँगी, आप अपनी मन इच्छा अनुसार बड़ी पीसेस में भी ले सकते हैं। तो इतना ही छोटा छोटा मैं काटूँगी, इसमें बिल्कुल भी गुठली सख्त नहीं है। आपके आम में यदि गुठली सख्त होगी तो आप सरुता से भी काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने सब आमों को इस तरीके से काट लिया है और मैं छत पे आ गई हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो मैं इसे कपड़े बिछा करके फैला दे रही हूँ। तो इसे मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए ही सुखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो इस तरीके से फैला दूंगी, इसका मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इसमें से पूरा मॉइस्चर हट जाना चाहिए, तभी हमारा अचार जो है लंबे समय तक चलता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। मेरी आम बहुत ज़्यादा कम थी तो इसलिए मैं 4 ही घंटा सुखा रही हूँ। यदि आप ज़्यादा आम की बना रहे हैं तो आप पूरा दिन भर भी सुखा सकते हैं। तो देखिए, 4 घंटे हो गए हैं और मेरी आम अच्छे से सूख गई है। तो 4 घंटे सुखाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई है, और ज़्यादा देर तक सुखाती थी बहुत छोटे छोटे हो जाते। तो देखिए, मैंने गंजी में रख लिया है, आप कोई भी बड़े बर्तन पतीले वगैरह में रखिए जिसमें से आप उछाल सके आम को। तो देखिए, इस तरीके से सारे मैंने ले लिए हैं। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, कम से कम 2 चम्मच डालूँगी, और इसमें हल्दी डालूँगी 2 से 3 चम्मच। इसे अच्छे से उछाल उछाल के हम सभी तरफ से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिला लेना है हमको, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ही डालेंगे हल्दी और नमक, मेरी बहुत कम थी तो इसलिए मैं कम डाली हूँ। तो इसे मैं ढक के रख दूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर होगी तो वो निकल जाएगी, या नहीं होगी मॉइस्चर तो नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से ढक देंगे हम, 2 घंटे के बाद ही हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ 2 घंटे हो गए हैं और मेरी जो अचार है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकली है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में जीरा ले ली हूँ 2-3 चम्मच, और यहाँ पर आधी कटोरी मैं सरसों के दाने ले ली हूँ बड़ी वाली, और यहाँ मेथी के दाने ली हूँ 2 चम्मच, और यहाँ पे मैं ली हूँ करायत, ये भी 2 चम्मच है, और ये है अजवाइन, ये भी 2 चम्मच है, और यहाँ सौंफ ज़्यादा ली हूँ 3 चम्मच है, और यहाँ छोटी राई है जो सरसों का ही रूप है, छोटा रूप, और यहाँ पर मैं काली मिर्ची और लौंग ले ली हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है, और 5 में साबुत लाल मिर्च ली हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं 15 से 20 लहसुन की कलियाँ छील ली हूँ, और ये जो है हींग है, इससे अचार ख़राब नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है, इसीलिए डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं रोस्ट कर ले रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, तो थोड़ा ही देर हमको रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने से पहले तो आसानी से पीस जाती है हमारी ये मसाले, और इसमें से खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए ही रोस्ट करते हैं। तो कम से कम इसे मैंने 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है, तो इसे हम मिक्सी जार में डाल करके अब पीस लेंगे, लेकिन पीसेंगे तो इसे दरदरा ही पीसेंगे, एकदम चिकना नहीं पीसना है हमको। तो यहाँ पर मैं मसाले पीस ले रही हूँ, तो सारे मसालों को मैं नहीं पीसूँगी, थोड़ा सा इसमें से निकाल के मैं रख ली हूँ, तो इतना सा मैं निकाल के रख ली हूँ, क्योंकि साबुत रहता है तो अच्छा लगता है, मुँह पे आता है थोड़ा साबुत मसाला, तो इसलिए मैं इसे हटा दे रही हूँ इतना को। तो मैं मिक्सी जार में जो डाली हूँ उसे दरदरा ही पीसूँगी। तो इसमें डाल चुकी हूँ मैं सारे मसालों को, अब बस पीस लेना है हमको। तो देखिए, ऐसे ही मैं दरदरा पीस ली हूँ,
तो इतना ही ऐसे ही पीसना था हमें, एकदम चिकना नहीं पीसना है। और इधर मैं पैन में तेल गरम कर दी हूँ, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अच्छे से हम गरम करके ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ स्मेल रहती है, वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो यहाँ मैं लाल गुलाब का ऑयल ली हूँ सरसों का, और यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ। तो मेरे पास कम थी तो मैं इतने ही डाल दी, आप थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कीजिए, कम से कम दो चम्मच। देखिए अच्छे से उछाल ले रही हूँ मैं इसमें डाल करके हींग को, और इसमें जो मैं पीस के रखी हूँ वो मसाले डाल दूँगी, और जो मैं साबुत रखी थी वो मसाले भी इसमें डाल दूँगी। तो सारे मसालों को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं जो लहसुन छिल के रखी थी उसे डाल रही हूँ, तो मैं साबुत ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो काट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जो बिल्कुल तेज़ नहीं रहती है, ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, इसे कलर अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं हल्दी भी डाल रही हूँ, 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पर हल्दी। और अभी मैं इसमें नमक नहीं डाली हूँ, लास्ट में डालूँगी। सारे मसालों को अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ, तो ऐसे ही इक्वल 17 से बराबर हमको मिला लेना है उछाल उछाल करके। अभी तक भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए सारे मसाले मिल गए हैं, तो लास्ट में मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि नमक डालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नमक यदि अच्छे से डली होती है तो अचार ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से डाल देंगे, हम पहले भी नमक डाले हैं तो यहाँ पर देख कर ही नमक डालिए। तो नमक मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल दी हूँ, और अच्छे से इसे भी उछाल ले रही हूँ। तो इधर ही उछाल उछाल कर अच्छे से मिला ले रही हूँ मैं। और यदि आप चाहे तो इसमें रेडीमेड मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं, यदि चाहे तो, जो मार्केट में मिलती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से मिला लिया है, और ये जो गरम वाली तेल है वो भी ठंडी हो गई है, सरसों की तेल, तो इसे भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो हल्का सा गरम है ये, तो इससे क्या होता है कि मसाला थोड़ा सा कच्चापन रहता है वो थोड़ा सा पक जाता है, तो हल्का सा गरम ही डालें। तो यहाँ पर मैं अभी कम ही डालूँगी, जब ये 5 से 6 दिन के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी पिचक के हमारी अचार, तो मैं थोड़ी सी और डाल दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं इतनी ही डाल रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम चम्मच से, तो चम्मच का ही यूज़ करेंगे, हाथ का नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ का यूज़ करेंगे तो अचार ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से चम्मच से, और चम्मच भी एकदम सूखी यूज़ करेंगे, बिल्कुल पानी वानी नहीं रहना चाहिए हमारे चम्मच में। तो इस तरीके से अच्छे से हम मिला ले रहे हैं सारे मसालों को। तो हमारे जो अचार है सब मिल चुके हैं, साथ सारी चीज़ मैंने मिक्स कर दी है, अब ये हो चुकी है। तो हम इसे कम से कम 7 दिन तक सुखाएंगे अच्छे से, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी हमारे खाने के लिए। तो मेरे अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।